अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल पब्लिश रिकमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री का पास पेपर जो 5 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर की डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि थर्मोडाइनमिक इज़ द रिवर्सिबल व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग एक्सचेंज इनटू ईच अदर। नो, सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त जो प्रोसेस होता है थर्मोडाइनमिकली वो रिवर्सिबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कौन सा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ईजीली। इनमें से किस गैस को ईजीली लिक्विफाई किया जा सकता है। आर्गॉन, नियॉन, ज़ीनॉन। तो ज़ीनॉन को ईजीली आप लिक्विफाई कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट साइज। इसका एक तो साइज बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा इसके पास हाई वंडर वाल फोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये ईजीली लिक्विफाई हो सकती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज़ मिनिमम एनर्जी। इनमें से किसके पास मिनिमम एनर्जी है। ए ऑप्शन इज द मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशन, बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखें, इस केस में अगर हम बात करें, इस ऑर्डर को बात करें, तो जो सब्लिमेशन इंथाल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉलिड को डायरेक्ट हमने गैस में कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सब्लिमेशन के केस में। और इसके अलावा जो नेक्स्ट होती है वो होती है वेपोराइजेशन में, ठीक है, लिक्विड से वेपर बनाना होता है। और देन थर्ड पे जो है वो मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ जो है ना वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मेल्ट दी आइस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज +243 किलोजॉल पर मोल। व्हाट विल बी द फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ वाटर। तो डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव होती है क्योंकि बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एंड सेम बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और उतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन प्लाटीनियम एक इलेक्ट्रोड है इन डिप्ड इन दी 0.1 मोलर HCl, एंड सेम सेकेंड जो हाफ सेल है हमारे पास वो है 0.1 मोलर एस्टिक एसिड है, प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड है। वह पोटेंशियल विल नॉट बी ज़ीरो। पोटेंशियल ज़ीरो कहीं क्यों नहीं होगा, कौन सी कंडीशंस हैं। तो ए ऑप्शन इज बोथ आर द डिफरेंट एसिड्स, मोलैरिटीज़ आर द सेम, एंड पीएच ऑफ बोथ एसिड इज़ द डिफरेंट। डेफिनेटली जो ए ऑप्शन है दैट्स वेरी, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि दोनों जो एसिड्स हैं डिफरेंट नेचर के हैं, और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, बट जो एस्टिक एसिड है दिस इज़ द वीक एसिड एंड नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। सो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी आफ्टर डिसोसिएशन वो भी दोनों की डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से पीएच जो है दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो इसका वेरी सिंपल इसकी कैलकुलेशन होती है कि जो भी नेट चार्ज इसके ऊपर होता है उसको हम लिख लेते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमने इसे फाइंड आउट करना है, प्लस ऑक्सीजन जो है इसमें -8 हमारे पास इसका आ जाता है क्योंकि 4 एटम्स हैं, दैट इज़ इक्वल टू -1। तो आप यहां से कैलकुलेट करें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +7। तो वेरी सिंपल है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन, ये कम्प्लेक्स गिवन है तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये देखें, इथाइलिन है, तो इसमें जो है इस केस में ये न्यूट्रल हमारे पास लिगेंड है, और जो सल्फेट है इसके पास -3 चार्ज है सल्फेट के पास। तो ये कोबाल्ट के ऊपर, जो कोबाल्ट के ऊपर नेट चार्ज आ जाता है वो +3 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेटेलिक ड्यू टू द इंक्रीज रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो इस केस में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ आइंस जी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे उसमें रेजिस्टेंस जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए।
इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन यूनिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम विल बी, जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी फैक्टर जो है वो यूनिटी से लेस हो जाता है तो उस वक्त वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। देखिए इस केस में ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन और टी, ये फॉलो करती है आइडियल गैस को, और इस केस में तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो होता है पी वी ओवर एन आर टी, ये फैक्टर होता है और इसकी वैल्यू होती है वन के इक्वल होती है इन केस ऑफ आइडियल गैस। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन वन हो जाती है तो इस केस में जैसे ये लेस देन वन होगी तो ये वाला जो फैक्टर है पी वी ओवर एन आर टी ये भी लेस देन वन कंसीडर होगा, वन होगा। और इस केस में अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इट मीन कि पी वी जो फैक्टर है लेस देन एन आर टी और प्रेशर जो है वो वन एटमॉस्फेयर है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और जो वॉल्यूम है ये हमने नोट करना है तो वॉल्यूम जो है लेस देन एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल वन मोल होता है और आर हमारे पास 0.082 वैल्यू होती है और टेम्परेचर जो है वो 273 है। जब इसको हम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम ये आ जाता है 22.4 लीटर, दिस इज़ दी लेस देन 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम आ जाता है 22.4 लीटर से लेस देन आता है जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन यूनिटी होगी। तो ये इसकी एक कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-bromo-2-3 डायमिथाइल ब्यूटेन, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह स्ट्रक्चर है CH3 एंड दिस इज द ब्रोमीन, टू पे पोजीशन में ब्रोमीन है और CH3 टू और थ्री पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये ब्रोमीन है, दिस इज द 2-bromo-2-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। जब इसकी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है तो इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। अब देखें ब्रोमीन जिस पोजीशन पे लगा हुआ है अल्फा पोजीशन है, अब ये पोजीशन भी बीटा है, ये भी पोजीशन है, तो किस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करना है जो स्टेबल स्ट्रक्चर दे, तो ये वाली जो पोजीशन है दिस गिव दी मोर स्टेबल प्रोडक्ट, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, यहाँ से ब्रोमीन का रिमूवल होगा, तो इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 और ये डबल बॉन्ड CH3 आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 2-3 डायमिथाइल एंड टू पोजीशन पे डबल एल्कीन ग्रुप है, तो 2-3 डायमिथाइल 2-ब्यूटीन इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि स्टेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नेचुरल पॉलीमर इज स्टार्च पॉलीब्यूटाडाइन पॉलीस्टाइरीन, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, तो स्टार्च इज द नेचुरल पॉलीमर, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू बेंजीन इन्वॉल्विंग द रिएक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट इज नाउन एज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें एनिलीन को हम बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका जो अमीन ग्रुप है वो क्या हो जाता है, उसकी डी एमिनेशन हो रही है, तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट, दिस इज दी डी एमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, क्लोरीनेशन ऑफ एनिलीन अंडर एसिडिक कंडीशन गिव दी प्रोडक्ट, तो 14 क्वेश्चन है कि अगर हम एनिलीन की क्लोरीनेशन करवाते हैं एसिडिक कंडीशन में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो इसका मिक्सचर मिलता है, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि एनिलीन जो है एनिलीन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है NH2 अमीन ग्रुप, और ये आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, और जो इनकमिंग हमारे पास क्लोरीन ग्रुप होता है या इसको आप कह लें कि इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चला जाता है और ये मिक्सचर की फॉर्मेशन हमें मिलती है, आर्थो भी मिलता है और पैरा भी मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है ये PPSC के एग्जाम में भी और FPSC के एग्जाम में भी। 15 क्वेश्चन, वेपर प्रेशर इज 0.4 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन इफ वॉल्यूम इज डबल द वेपर प्रेशर विल बी एट, अगर आप टेम्परेचर सेम रखते हैं और वॉल्यूम को डबल करते हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यू में क्या चेंज आएगा।
देखिए वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम, इट ओनली डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो तब वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज वॉल्यूम चेंज करने से वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम, सो वेपर प्रेशर वैल्यू रिमेन सेम एंड 0.4 एटमॉस्फेयर, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इनमें से कौन सा है, नेचुरल रबर, पॉलीथीन, डेक्रॉन, नन ऑफ द अबव। पॉलीथीन इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर जिंक सेल हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0.80 है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो 0.34 है, मैंने 0.34 है, तो ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है और ऑक्सीडेशन भी गिवन है, तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों को प्लस कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर लें तो इसका ओवरऑल जो नेट आंसर आता है वो 1.14 वोल्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द कार्बोकेटाइन, दे कैन अटैक नेगेटिव चार्ज, येस कार्बोकेटाइन नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकते हैं। दे कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, येस रीअरेंज होके सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं फॉर द स्टेबलाइजेशन। और इसके अलावा इट कैन इलिमिनेट एन हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म एन ओलिफिन, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की। तो सबसे मैक्सिमम जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से बॉन्ड की शॉर्टेज होती है, शॉर्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज, वाई क्यों यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो चुका है। तो इसका पोटाशियम आयन मोबिलिटी इज ग्रेटर देन द नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन की मोबिलिटी ग्रेटर देन पोटाशियम आयन, या सी ऑप्शन है बोथ हैव द सेम आयोनिक मोबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज दोनों जो आयन्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स हैं पोटाशियम एंड नाइट्रेट आयन, इनकी जो मोबिलिटी है दोनों की सेम है एंड इट इज इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द न्यूट्रैलिटी इन द साल्ट ब्रिज। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंसंट्रेशन इफ रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो इसका टाइम भी गिवन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जो आंसर आएगा वो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन होगा या कंसंट्रेशन होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द गैसेस 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है, 0.4 ग्राम नाइट्रोजन है एंड 1.4 ग्राम जो है वो अमोनिया है, आर मिक्सड हैविंग टोटल प्रेशर इनके पास है 2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एंड देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड ऑक्सीजन। देखें टोटल प्रेशर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए या पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का फाइंड आउट करने के लिए उसका वेरी सिंपल फार्मूला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लेट कर लेते हैं, हमने ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है तो O2, इसी तरह जितने भी मोल्स होते हैं उसका मोल्स ऑफ ऑक्सीजन NO2 डिवाइडेड बाय N टोटल मोल्स मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। तो ये सिंपल फार्मूला है, टोटल प्रेशर भी गिवन है और इसके अलावा हमने इनके क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना वेरी सिंपल, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास 32 है, तो इसके जो मोल्स आ जाते हैं इस केस में अगर हम बात करें कैलकुलेट करके तो ये 0.05 मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह इसके आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो ये 0.01 मोल्स आ जाते हैं और अमोनिया के जो मोल्स फाइंड आउट होते हैं 0.08, इनको आप सम कर लें तो ये टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, PO2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है 0.05 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 0.14 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर है 2। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो PO2 की वैल्यू आ जाती है ऑलमोस्ट 0.714, करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये एक सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन द लैटेस्ट एनर्जी, नाइट्रोजन साइकिल के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर यूज होता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी रिपीटेड हो चुकी है बहुत सारे एग्जाम में। तो बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज टू फाइंड आउट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल या कंपाउंड। 24 क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 10 मिनट्स फॉर 0.08 कंसंट्रेशन है, इफ़ नाउ कंसंट्रेशन इज 0.01, अगर इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस कर दी जाए तो टाइम क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें को हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो उसका फार्मूला होता है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो ये फार्मूला ये चीज़ शो कर रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। जब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती तो सेम टाइम में उस सेम टाइम लगेगा इसका। तो ऑप्शन ए इज़ दी 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, ओज़ोनोलाइसिस ऑफ साइक्लोहेक्सीन की अगर हम ओज़ोनोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है उसको अगर आप ट्रीट करते हैं एक्वस क्यूएच के साथ तो फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, जब हम इसकी करते हैं ओज़ोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर, तो इसको हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिलता है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है हमें इस तरह का। और इसके बाद फिर जब इसको ट्रीट करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है एक्वस केओएच की मौजूदगी में, तो ये इंट्रा मालिकुलर एडिशन एलिमिनेशन होती है यहाँ पे और हमें न्यू स्ट्रक्चर मिलती है, सॉरी ये हमें न्यू स्ट्रक्चर मिलती है इस तरह की और ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इसको कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमाइड लिंकेज, प्रोटीन के पास भी इमाइड लिंकेज होता है ड्यू टू द अमीनो एसिड्स, नाइलोन 66 के पास भी इमाइड लिंकेज होता है और डाइमिथाइल फार्मामाइड के पास भी इमाइड लिंकेज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रॉगली गिव हिज कंसेप्ट ऑन बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पेश की थी, ये मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रदरफोर्ड यूज दी गैमा रेस, बीटा रेस या हीलियम न्यूक्लियर। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया था और अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियर भी कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव लीनियर स्ट्रक्चर, तो इनमें से किसके पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास भी लीनियर स्ट्रक्चर है और इसके अलावा N2O के पास भी जो है ना ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये भी लीनियर स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, टिन Cl2, ये इसकी बेंट स्ट्रक्चर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लोन पेयर्स हैज़ SF4, CCl4 एंड HCF6। सल्फर 6 ग्रुप से बिलोंग करता है और 4 फ्लोरीन एटम अटैच हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है, ओनली 1 लोन पेयर इसके पास होता है। इस तरह कार्बन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है और 4 क्लोरीन एटम है, तो नो लोन पेयर, 0। एंड ज़ीनॉन 8th ग्रुप से बिलोंग करता है और फ्लोरीन का एटम है, तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर रह जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रीअरेंजमेंट है वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सैंड मेयर्स रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड सैंड मेयर रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सैंड मेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वह द रीज़न इज दैट कि एक तो ये जो फ्लोराइड रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होता है और जो फ्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये डायज़ोनियम साल्ट के साथ ये रिएक्ट जब करती है तो ये उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब टेम्परेचर की इंक्रीज़ होता है तो वो डायज़ोनियम साल्ट क्या करता है, डीकम्पोज हो जाता है और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो सो फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सैंड मेयर्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर कार्बोनिक एसिड हमारे पास है जिसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है 4.5
मल्टीपल एट एन रेज के ऊपर मैंने 7, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें जो कार्बोनिक एसिड है दिस इज द वीक एसिड, और वीक एसिड और वीक बेस में डिसोसिएशन को देखा जाता है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखा जाता है। तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, उसकी पीएच फाइंड आउट करना सिंपल वे नहीं है, जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल वे में। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3 जब ये डिसोसिएट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एच प्लस एंड ये बन जाता है HCO3, ये टू मालिक्यूल इसके, सॉरी एक हाइड्रोजन होता है। अब इसके हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो ये भी ज़ीरो होती है और ये भी ज़ीरो होती है। जब टाइम इक्विलिब्रियम पे आता है तो ये डिसोसिएट के 0.1 माइनस एक्स प्रोडक्ट में चला जाता है, तो क्योंकि ये एक्स बन जाता है, इसकी भी क्या फॉर्मेशन एक्स होती है। तो इसके लिए जो के ए हम निकालते हैं आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट, वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। तो इसके लिए प्रोडक्ट एक्स एक्स, तो ये हो गया एक्स की 2/0.1 - x, तो के ए की वैल्यू गिवन है दैट इज़ दी 4.5 मल्टीप्लाई 10^-7 एंड एक्स की 2 0.1 - x। जब हम इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती है एक्स दैट इज़ इक्वल टू 2 × 10^-4 आता है। तो अब ये x की वैल्यू 2 × 10^-4 है, तो इट मीन जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो है 2 × 10^-4। तो हम इजीली इसकी pH कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सिंपल फार्मूला है pH दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें मिल चुकी है, तो हम ये इसका लॉग लेंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इसकी pH जाती है और इसका आंसर आता है 3.7। इसको आप फाइनली कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इमिटेड इलेक्ट्रॉन बाय द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज विद द लाइट फ्रिक्वेंसी। यस, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो लाइट की फ्रिक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है और ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट। ये ओनली उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, रिलेशनशिप बिटवीन एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो m की वैल्यू होती है 2L+1, दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच इज द रॉन्ग फॉर पोलीमर, पोलीमर के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग, के लो मालिकुलर वेट इनका होता है, नहीं, पॉलीमर्स दे हैव दी हाई मालिकुलर वेट और इनकी हाई विस्कोसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1320, यस कुछ बुक्स में 1310 भी लिखा होगा, तो दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच कैटलिस्ट यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इनटू अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कैटलिस्ट हम यूज़ नहीं करते और ना ही हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यूज़ करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यूज़ करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल, और इसके अलावा आप सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू द अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, ग्लास इज द अमॉर्फस करेक्टरिस्टिक, ये किस वजह से होता है, दिस ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड होने की वजह से इनकी जो नेचर होती है वो अमॉर्फस नेचर होती है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो F2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाई यूजिंग दी एनर्जी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ब्रॉस इज एन अलाय ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कॉपर एंड जिंक का अलाय है। एंड 41, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट हैज़ pH, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि सोडियम बायकार्बोनेट की 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन हो तो इसकी pH वैल्यू क्या होती है। तो देखें सोडियम बायकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो
तो ये एम्फोटेरिक साल्ट है। तो एम्फोटेरिक साल्ट के लिए सिंपल क्वेश्चन है कि आप अगर पीएच फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए, क्योंकि ये टू वैल्यूज़ होती हैं के ए वन एंड के ए टू, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड से निकले H2CO3, तो ये इसकी जो हाइड्रोजन होता है वो टू टाइम रिप्लेस होता है, तो इसकी टू वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास PKa1 प्लस PKa2 इन दोनों की वैल्यूज़, Ka की वैल्यू गिवन होगी, तो दोनों की वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो दोनों की PK वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.4। ये सिंपल एक ट्रिक है टू फाइंड आउट द pH ऑफ एम्फोटेरिक साल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। वैसे भी अगर आप यहाँ ट्रिक लगाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। देखें 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो कि क्या है, बेस है। और जो बेसिक साल्ट बेसिक है, जो बेसिस होती हैं उनकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ऊपर होती है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो 7 से बिलो है, और जो 8.4 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नीडेड टू कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्साइड इनटू द ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। तो दिस इज द सिंपल इक्वेशन कि अगर आप रिएक्ट करवाते हैं P2O5 को विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो इसके थ्री वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो H3PO4 को हम ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर यूजेस। 43, अवर रिवर्सिबल साइकिल हैज इंट्रॉपी चेंज। रिवर्सिबल साइकिल में देयर इज़ नो चेंज इन इंट्रॉपी, इंट्रॉपी कांस्टेंट रहती है, इट मीन जीरो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नाइट्रोजन हैज ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है, तो ये है -6 +1, तो ये आ जाएगा +5। तो इस केस में नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इस केस में अगर हम बात करें तो +4 -1, और ये हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है, और इस तरह इस केस में अगर आप देखें -4 +1, तो यहाँ भी -3 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, the addition of ammonium chloride to the one normal solution of ammonium hydroxide, what will be effect on change? देखें इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, साल्ट स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ठीक है, तो ये कहता है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज द वीक बेस, और ये वीकली डिसोसिएट होती है, जिसकी वजह से पीएच में जो है ना वो इसकी पीएच को स्लाइटली लोअर कर देता है, ज़्यादा लो नहीं करता, स्लाइटली लोअर दी पीएच। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है, और बेस वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो हाइड्रोजन बायकार्बोनेट के पास जो है ना ये दोनों एबिलिटीज़ हैं, ये हाइड्रोजन डोनेट भी कर सकता है तो एसिड काम करेगा, और अगर ये प्रोटॉन अगर ये हाइड्रोजन डोनेट कर देता है तो ये बन जाता है CO3-2- बन जाता है, और अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है H2CO3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक इन द फॉलोइंग। तो क्लोरीन 1 ऑक्साइड इज द मोर एसिडिक। लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, व्हेन हाइड्रोजन आयन यूनिट्स विद 1 मोल ऑफ वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जब वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन का बॉन्ड बनता है तो ये लोन पेयर्स होते हैं, और ये लोन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को, तो दिस बॉन्ड इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन, एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एटम बम में जो प्रिंसिपल बेस्ड करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। तो ये थी जी आज की कंप्लीट डिस्कशन 2020 का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था। 50/50 MCQ मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके आपके सामने रखी है, और इसकी हमने कंप्लीट डिस्कशन की है। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम फर्दर जो है ना वो फेडरल प्रोफेसर कमीशन के जो है ना वो टेस्ट की हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।